हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे 30 to 40 मिनट का एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है हमारा, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर है वो सभी हम लोग कवर करते हैं। ऐसे सारे न्यूज जो कि आपके इंडिया के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है उन सभी को हम लोग कवर करते हैं, और साथ में जो भी ऐसी न्यूज जो कि आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के मेंबर के साथ में। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो भी ये सेशन आपको ओवरऑल ग्रो करने में, आपके सोच विचार हर किसी को इम्प्रूव करने के अंदर बहुत मदद है जो कि करेगा। ओके गाइज, चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन अंतर सदस्यीय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की गवर्निंग काउंसिल के 206वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला जी, पूनम बेन जी और स्वपन जी, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, Which one of the following organization has launched a limited edition of the two-layer Happy Diwali printed face mask made of pure muslin fabric? तो fabric से दोस्तों बनाए हुए two-layer mask जो है वो KVIC के द्वारा बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में पहली बार अपने इतिहास में महिला प्रकृति मार्गदर्शिकाएं होगी? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर दोस्तों जो कि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। सरकार ने डैश इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचने के लिए इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम को लागू किया है, तो कितने प्रतिशत ब्लेंड करने के लिए बोला है? पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को 10% का टारगेट रखा है। ओके, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की गिफ्ट सिटी को विकसित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है? तो यूके ने पार्टनरशिप है जो की गिफ्ट सिटी, जो की कहां पर है? गुजरात के अंदर है। ओके गाइस, नेक्स्ट, जैसा कि आपको मालूम है अगर आपको अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डेली सुबह 10 बजे होती है एनसीईआरटी यूपीएससी वालों के लिए और पीसीएस वालों के लिए। इसी प्रकार से आज दिन में 1 बजे जो क्लास है वो है एनटीपीसी करंट अफेयर। ठीक है गाइस, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों इंडिया के सभी एग्जाम के लिए जीके पढ़नी है तो मेरे फाउंडेशन बैच में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने अभी हिस्ट्री स्टार्ट करी है, फिर मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के सारे इंडिया के टॉप टीचर की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। और मेरा जो जीके कोर्स है वो आपके पीसीएस से लेकर एसएससी, रेलवे, आपका कोई डिफेंस का एग्जाम है, कोई पुलिस का एग्जाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2021 के लिए, तो मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। रेफरल कोड आप किसी भी एग्जाम के लिए BHU10 है जो कि यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। इसमें आप प्रीलिम्स हो गया, मेंस, ऑप्शनल सारी क्लासेस मिल जाएगी। देखते हैं आज के कोड ऑफ द डे जो कि यहाँ पे विमी के द्वारा भेजा गया है। विदेशों में युवा सरकार चलाते हैं और बूढ़ों को पेंशन देते हैं, भारत में बूढ़े सरकार चलाते हैं और युवाओं को टेंशन देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सटायरिकल स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे विमी सिंह ने भेजा है, और बात बिल्कुल सही सी भी लग रही है, मतलब काफी हद तक, कि विदेशों में युवा सरकार चलाते हैं और बूढ़ों को पेंशन मिलती है, मतलब इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस तक मतलब लोगों को मिलता है। हमारे देश में ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स दोस्तों काफी ओल्ड लोग चलाते हैं और युवाओं को जो है वो टेंशन देते हैं, एक एग्जाम 4 साल में करवाते हैं और जवानी जो है उसी के अंदर निकाल देते हैं। चलिए, बिल्कुल सटायरिकल स्टेटमेंट जो काफी सही लग रहा है। चलिए आज की बात करते हैं डेंगू की। आज की डेंगू की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर था जिसमें स्टार कैंपेनर का स्टेटस कमलनाथ जी का छीन लिया गया था, उसको वैसा का वैसा रखा है। आपको मालूम है कमलनाथ जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों बिल्कुल सही बोला है इलेक्शन कमीशन को। तो कुछ दिन पहले मैंने स्टार कैंपेनर क्या होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था, वैसे तो आज वापस से बता दूंगा क्योंकि काफी सारे नए बच्चे भी आए होंगे, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे एजी डिक्लाइंस कंसर्न फॉर कॉन्टेम्प्ट केस अगेंस्ट जगन। तो एक्चुअली मैं दोस्तों जगमोहन रेड्डी जी जो है ना आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, वो क्या एक जज के खिलाफ, रमन जी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। ओके,
उसी को लेकर ये मैटर है, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा गया था कि क्या इनके ऊपर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाना चाहोगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रंप और बिडेन भी दोस्तों अपने लास्ट मिनट सपोर्ट के ऊपर कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बैटल फॉर बिहार आप देख ही सकते हैं गाइस, बिहार के अंदर आज दूसरे चरण के मतदान है और 10 तारीख को रिजल्ट है जो कि आने वाला है। सब लोग जो है वो लगे पड़े यहाँ पे, है ना, कैंपेनिंग के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 32 प्रोटेस्टर जो है वल्लभगढ़ वायलेंस के अंदर वो पकड़े गए हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान ने भी दोस्तों बिल पास कर दिया है, जो सेंटर के फार्म लॉज थे ना उनको जो है स्टेट में लागू नहीं करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे वेंटिलेटर की कमी बताई जा रही है दिल्ली में। पोएट मुन्नावर राणा, जिन्होंने दोस्तों फ्रांस के अटैक को सपोर्ट किया है ना, उनके खिलाफ है जो कि केस कर दिया गया है, ठीक है गाइस। तो ये पूरा का पूरा फ्रंट पेज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला स्टार कैंपेनर वाला इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि ये एक्चुअली में मैटर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने स्टार कैंपेनर का स्टेटस है जो कि फॉर्मर मध्य प्रदेश के जो सीएम है कमलनाथ जी, उसे छीन लिया था। ओके, क्यों छीन लिया गया था? क्योंकि उन्होंने गलत लैंग्वेज यूज करी, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन अगर कोई सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, गलत कोई वायलेंस फैला रहा है किसी महिला पे या किसी पर्सन के ऊपर, पर्सनल अटैक कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद के ऊपर वोट मांग रहा है, ऐसी कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, किसी और किसी रैली को खराब कर रहे हो, है ना, हेट्रेड की भावना फैला रहे हो, तो स्टार कैंपेनर का स्टेटस ले लिया जाता है। ओके गाइस, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जब बिल्कुल सही है इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है। तो देखिए, स्टार कैंपेनर कौन होता है? एक सेलिब्रिटी होता है जो कि वोट लेने में मदद करता है इलेक्शन पार्टी के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर कोई लॉ नहीं है हमारे यहाँ पे कि कौन होगा कौन नहीं होगा, कोई भी स्टार कैंपेनर बन सकता है जो स्टार हो, समझ गए मेरी बात। इनको नॉमिनेट किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी स्टार कैंपेनर्स कैन बी देयर, कितने स्टार कैंपेनर है जो कि हो सकते हैं। तो गाइस, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो है रेगुलेट करने के लिए, और इसमें बताया जाता है कि मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर है जो कि हो सकते हैं। कोई भी रिकग्नाइज पार्टी जो है ना, जैसे कि कोई नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, तो वो 40 स्टार कैंपेनर जो है वो कर सकती है। जो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है वो मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर है जो कि मैदान में उतार सकती है। हाँ श्रीकांत, हम लोग खुशी के लिए फंड इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन अभी मेरे पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है, मेरे पास कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, मतलब, तो मैंने उस रिपोर्ट के लिए बोला, जैसे वो रिपोर्ट आएगी वी विल हेल्प अर। ओके, हाँ श्रीकांत, मैंने बता दिया ना, जैसे वो रिपोर्ट आएगी वैसे फिर हम लोग देखते हैं, करते हैं फिर वो, है ना। चलिए, व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज नीड ए स्टार कैंपेनर, स्टार कैंपेनर की क्यों जरूरत पड़ती है भाई? आपको मालूम है बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने लिमिट लगा रखी कि कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट लोकसभा के अंदर 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, और अगर वो विधानसभा के इलेक्शन में है, विधानसभा के इलेक्शन में लड़ रहा है, तो कितना है? 30.8 लाख, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे क्या होता है कि हालांकि पैसे तो बहुत लगते हैं, रियलिटी में तो विधानसभा के इलेक्शन में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगा देते हैं हर एक कैंडिडेट अपने पोलिंग के लिए, पार्टी वार्टी देने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं आपको मालूम है ना। लेकिन वैसे बता रहा हूं मैं, थ्योरिटिकली जो है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन 30.8 की लिमिट है जो कि लगी हुई है। अब कोई स्टार मान लीजिए, कोई सेलिब्रिटी आ गया, अभी सेलिब्रिटी का खर्चा कौन उठाएगा? तो क्या होता है कि जो पार्टी होती है ना उसके खर्चे में चले जाता है ये, समझ गए। तो इसलिए दोस्तों उस स्टार कैंपेनर का काम भी हो जाता है, प्रचार भी हो जाता है, और जो खर्चा है ना वो भी पॉलिटिकल पार्टी इसके खाते में जाता है, उस कैंडिडेट के खाते में नहीं जाता है। इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा रखी है, ध्यान रखिएगा अगली बार पेपर में सवाल बनेगा वाला, अगर आप कोई पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे, तो इनफैक्ट एसएससी में भी सवाल बन सकता है वाला। अगर कोई किसी एक ही आदमी के लिए कैंपेन कर रहा है, कोई अगर स्टार कैंपेनर तो उसके अकाउंट में जाएगा स्टार कैंपेनर का खर्चा। अगर दो लोगों के लिए रैली कर रहा है सिर्फ, तो दो लोगों के डिवाइड हो जाएगा उसका खर्चा, समझ गए। लेकिन अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाकी लोगों के लिए भी कर रहा है तो इट्स फाइन, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पे है जो कि उसको किया जाता है। क्या पीएम स्टार कैंपेनर बन सकते हैं, आपको लगता है क्या?
जल्दी बताओ। यस बिल्कुल, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइंस है गाइस, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी स्टार कैंपेनर बन सकते हैं। ओके, लेकिन जो उनका जो खर्चा होता है ना, बुलेट प्रूफ व्हीकल का सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दोस्तों उठाया जाता है। ओके, और अगर कोई और आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका 50% है दोस्तों जो कि कैंडिडेट के अकाउंट में जाता है, जो साथ में गया है मोदी जी के, या कोई भी पीएम के का खर्चा तो हमेशा गवर्नमेंट उठाएगी, लेकिन पीएम के साथ में अगर मान लीजिए कोई एक्स बंदा गया है कैंपेन करने के लिए तो उसका 50% है जो कि इंडिविजुअल के खाते में जाएगा। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, मैंने पूरी जानकारी दे दी है, पेपर में सवाल बन जाएगा इसके। पेज नंबर 7 की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों बताया गया यूरोप के बारे में। वापस से कोविड-19 का एपिसेंटर है दोस्तों जो कि यूरोप बन गया है। 6 महीने बाद में दोस्तों वापस से केसेस है जो कि यूरोप के अंदर बढ़ गए हैं, और वापस से लॉकडाउन की तैयारी है जो कि कई सारे देश है जो कि कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये सेकेंड वेव है जो कि यहाँ पे कोविड-19 की देखने को मिली है, और ठीक है सेकेंड वेव के चक्कर में काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज ने लॉकडाउन वापस से लगा दिया है। मतलब ओके गाइस, तो जैसे कि फ्रांस और इटली है, ये वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज है भी राइट नाउ। फ्रांस और इटली दोनों मतलब वापस से तैयारी के अंदर है मतलब। ओके, और अभी तक हमारे सेकेंड वेव हमारे कंट्री में नहीं आई है, तो होपफुली हमारे कंट्री में आए भी नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि दिवाली पे आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी गाइस फटाके वटाके मत फोड़ना यार, बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखिए जो कोविड-19 के जो वायरस है ना, वो भी आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपको मालूम होगा इसके बारे में। अगर किसी के नोन में अगर आपकी हुआ होगा कोविड-19 तो आप उनसे पूछिएगा, आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा वो। और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो भी हमारे दिवाली के ऊपर बहुत होती है, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन नीचे हो जाता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो उस केस के अंदर मतलब जो कोविड-19 का जो इफेक्ट है ना वो डबल हो जाएगा। मतलब ओके, जितने भी अस्थमा वाले पेशेंट है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके तो और भी बुरी बुरी हालत हो जाएगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब दिवाली मनाइए, मस्त होके मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाके वटाके मत फोड़िए गाइस, है ना, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके भी घर में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, तो किसी न किसी के कहीं ना कहीं अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसके डबल हो जाएगी वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे देखिए गाइस, केसेस जो है वो इस तरीके से सर्ज हो रहे हैं, ये देखिए एकदम से बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बर्डन देख सकते हो आप, शिफ्टिंग बर्डन के अंदर अक्टूबर में ये देखिए यूरोप के अंदर 46% केसेस है जो कि आ गए हैं, एशिया के अंदर 21% है, नॉर्थ अमेरिका में 19, साउथ अमेरिका में 12, और यूरोप में 46% एकदम से केसेस देखने को मिले। तो और ये दोस्तों बिगड़ बताई जा रही है वेव, फर्स्ट वाली वेव से, यानी कि फ्रांस में तो मतलब ये मान के चलिए कि 40,000 केसेस हैं जो कि एक दिन के अंदर वापस से देखने को आने लग गए, और ये हाईएस्ट है मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये देखिए फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, सबका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो सितंबर के बाद से हमारे यहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन सारे राज्यों में कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल केसेस कम हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं सेकेंड वेव हमारे यहाँ पे नहीं आए। ठीक है गाइस, ठीक हाँ बिल्कुल सही बोला यहाँ पे सुभाष ने कि सभ्यता में तो घी के दीपक जलाने जलाने हैं, तो हम तो वही करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, और आपके आसपास के भी लोगों को समझाइएगा, अगर आप अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग तो नहीं समझेंगे, है ना, वो करंट अफेयर नहीं देखते ना, तो अगर आपको भी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी अपने घर में, आस पड़ोस में। ओके, मेक श्योर कि कोई ज्यादा जो है फटाके ना फोड़े, बिल्कुल जीरो फटाके फूटने चाहिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हेल्प करेंगे और थोड़ा समझाएंगे आसपास के लोगों को। ओके, जो आपके नोन है, जो कि आपकी बात सुनते हैं, उनको तो आप बोल ही सकते हैं कि भाई फटाके मत फोड़ना। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, पेज नंबर 11 की, यहाँ पे ट्रैफिक कॉप्स ऑफ स्पेस, तो स्पेस के अंदर दोस्तों ट्रैफिक पुलिस है जो कि लगाई गई है। सुन के अजीब लग रहा होगा ना, अभी तक तो ट्रैफिक पुलिस आपका ही चालान किया करती थी और 20 रुपए लेके चोर भी दिया करती थी। एक बार मेरे दोस्त ने तो एक एक सिगरेट चोरी होती, वो सिगरेट देके भी छूट गया था लेकिन अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्रैफिक कॉप्स ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर दोस्तों ट्रैफिक पुलिस। अब आप बोलोगे सर ट्रैफिक पुलिस स्पेस में क्या कर रही है, तो ये दोस्तों स्पेस के अंदर कोई ट्रैफिक पुलिस कोई इंसान नहीं है, ये सैटेलाइट है जो कि पूरी सैटेलाइट की ट्रैफिक को मॉनिटर करेगी।
आपको मालूम होगा गाइस कि कितना कचरा हो रखा है हमारे यहाँ पे, मतलब 25-25,500 से भी ज्यादा सैटेलाइट है जो कि अभी हमारे यहाँ पर है। चारों तरफ हमारे सैटेलाइट ही सैटेलाइट है, हमारे अर्थ पूरी मतलब कचरे से घिरी हुई है ये मान लीजिए, और 40,000 के आसपास है जो कि पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे स्पेस के, हमारे अर्थ के बाहर की तरफ है। तो जब ये इतनी सारी सैटेलाइट आसमान के अंदर है ना, तो आपस में टकराए नहीं, कोई नुकसान ना हो, उसके लिए दोस्तों क्या किया जा रहा है ना, एक नया इनिशिएटिव, एक नई लॉन्चिंग करी गई है सैटेलाइट की जो कि इनका ध्यान रखेगी। ओके गाइस, इसका नाम है स्काई लर्क। ये स्काई लर्क नाम की दोस्तों पहली सैटेलाइट है जो कि डेडिकेटेड है, जो कि सिचुएशन को मैनेज करेगी दोस्तों स्पेस के अंदर। समझ गए कि कोई आपस में भिड़ तो नहीं रही है ना, कुछ चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है ना, तो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो ये देखने वाली है। समझ गए, मेरे पास ये स्टुअर्ट करके एक पर्सन है जो कि सीईओ है इस कनाडा बेस्ड स्पेस कंपनी के, जिसका नाम है नॉर्थ स्टार अर्थ एंड स्पेस। ओके, तो इन्होंने दोस्तों पूरा का पूरा हेडलाइंस बनाई है मतलब, और पूरे के पूरे काम किया है इसके ऊपर, और स्पेस के अंदर जितना भी कचरा है उसके बारे में पता करना, और जितने भी सैटेलाइट है वो आपस में भेंट तो नहीं रही है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कितनी हो चुकी है, इन सबको लेकर दोस्तों ये जानकारी देते रहेंगे। स्पुतनिक वन आपको मालूम है पहली बार एक मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के बाहर गया था। ओके, उसके बाद में दोस्तों नई अपॉर्चुनिटी है जो कि स्पेस वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई, और अभी 63 ईयर निकल चुके हैं उस बात को जब स्पुतनिक भेजी गई थी, समझ रहे हो। और अभी तक अगर आप देखोगे तो 29,000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट है जो कि कचरे के तौर पे, डैब्रिज के तौर पे हमारे दोस्तों अर्थ के आसपास है जो कि घूम रहे हैं, और जिनका डायमीटर भी मतलब 10 सेंटीमीटर से लेकर काफी ज्यादा तक भी है। ओके गाइस, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो बस इसके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी देखने को लेकर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो। अरे ये वीडियो पीपीटी में क्यों नहीं चलता यार? ठीक है, ये देखिए 1960 के बाद से बताया गया कि किस तरीके से स्पेस के अंदर जो है वो कचरा बढ़ता जा रहा है 1957 से 2016 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मतलब कितने सारा कचरा है जो कि अर्थ के बाहर है, और इसी के अंदर आपको 2500 से ज्यादा सैटेलाइट भी देखने को मिलेगी। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे लिए यहाँ पे न्यूज है, पेज नंबर 13 की इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है दोस्तों प्रियंका, वो न्यूजीलैंड के अंदर न्यू मिनिस्टर है जो कि अभी रिसेंटली बनी है, इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो प्रियंका राधा कृष्णन जी को मंडे को दोस्तों न्यूजीलैंड की फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर है जो कि बनाई गई है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन ने अपने 5 नए मिनिस्टर है जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंट्रोड्यूस करे हैं। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, 41 ईयर ओल्ड है, लेबर पार्टी जो है उनकी लीडर है, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था गाइस, और इनके जो फादर है मतलब इनकी जो फैमिली है वो केरला से बिलोंग करती है, सिंगापुर में इन्होंने स्कूलिंग करी, उसके बाद में न्यूजीलैंड चले गई और वहीं पर ही अपनी फादर एजुकेशन है जो कि इन्होंने ली। ओके गाइस, तो वहां पे काफी फेमस है मतलब वुमेन के राइट्स को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, माइग्रेंट वर्कर को लेकर, इनको लेकर इन्होंने काफी काम है जो कि किया है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लेबर पार्टी की 2017 में भी वैसे तो चुनी गई थी, लेकिन मिनिस्टर जो है वो अभी इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इनको नया रोल दिया गया मिनिस्टर फॉर डाइवर्सिटी, ओके इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटीज, ये नया रोल है जो कि इनको मिला है।
ओके गाइज, तो यानी कि जो कम्युनिटी है, जो वॉलंटियर सेक्टर है, सोशल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे काम है जो कि ये करने वाली है। फर्स्ट एवर कीवी इंडियन मिनिस्टर है जो कि यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है गाइज, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज। इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, जो हिंदू में वही है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करी गई है वो दलित को लेकर बात करी गई है, यानी कि बिहार इलेक्शन को लेकर, यहाँ पे यूएस इलेक्शन को लेकर है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करी गई है फ्रॉड है जो कि एक पकड़ा गया था अभी झारखंड के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों इसके ऊपर काफी काम किया है ना, स्कैम को लेकर, तो वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जगमोहन सिंह जी का रेड्डी को का जो लेटर था ना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने को लेकर, वो था। यहाँ पे एलएसी को लेकर बोला गया कि दोनों देश अब अपने ट्रुप्स को कम करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इसका प्रियंका को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट जो कि है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन को लेकर। तो नोएडा सेक्टर 50 जो है दोस्तों, ओके, वहां पे एक नया इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन को नाम दिया गया है प्राइड स्टेशन। अभी ये प्राइड स्टेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अभी रिसेंटली जो टिकट काउंटर पे माही गुप्ता है जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उनको मौका है जो कि मिला है दोस्तों। पहले इनका नाम कुणाल मेहोर था, ओके, सेक्स रीअरेंज असाइनमेंट किया इन्होंने 2018 के अंदर, और एज ए ट्रांसजेंडर दोस्तों इन्होंने एज ए कैब ड्राइवर भी काम किया था, और अभी ये दोस्तों एज ए टिकट काउंटर के ऊपर दोस्तों काम कर रही है। और ये डेडिकेटेड जो स्टेशन था सेक्टर 50 का नोएडा मेट्रो स्टेशन, ये प्राइड स्टेशन इसलिए बोला गया था क्योंकि पहली बार नॉर्थ इंडिया के अंदर 27 अक्टूबर को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कि यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर है जो कि टिकट काउंटर पे काम करेंगे। ओके, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गाइज, क्योंकि जब तक हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में हम उनको नहीं लेके आएंगे, उनको जॉब्स के लिए स्कूल के अंदर पढ़ाई करना, कॉलेज में पढ़ाई करवाना, जब तक हम उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, तब तक ये डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो भाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है मतलब अब्यूज करते हुए ट्रांसजेंडर को, जब घर पे पैसे मांगने आते हैं, आपको मालूम है ना उस टाइम पे, तो बहुत लोगों को मैंने अब्यूज करते हुए देखा है। लेकिन क्या इसका, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी उनको जरूरत क्यों पड़ी है? ये जरूरत उनको ऐसी इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे समाज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हम उनको स्कूल के अंदर मौका देते, कॉलेज में मौका देते, अगर इंक्लूसिव सोसाइटी के तौर पे उनके साथ में अगर रहते, तो शायद वो भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है जो कि देश के डेवलपमेंट में कर सकते थे। काफी टाइम पहले आपको देखा होगा कि जज तक भी ट्रांसजेंडर है जो कि बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे कई जगह पे प्रूव किया है इन्होंने, तो क्यों ना मतलब और ज्यादा बेटर तरीके से इंक्लूजन किया जाए। अगर आप बाकी कंट्रीज में देखोगे, यूरोपियन में, थाईलैंड में भी इंक्लूड, अगर थाईलैंड भी एक डेवलपिंग कंट्री, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा इंक्लूसिव है ना कि अगर किसी को कोई लड़का है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी फीलिंग्स लड़की जैसे, ट्रांसजेंडर है कुल मिला के, तो वहां पे पेरेंट्स और कम्युनिटी उस चीज को एक्सेप्ट करती है। ये थाईलैंड की बहुत एडवांटेज है, बहुत बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो वहां पे कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करती है कि आप जैसे हो वैसे ठीक हो, हमारे लिए आप ह्यूमन हो। समझ रहे हो, तो ये चीज हमें भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि यूनेस्को ने दोस्तों इंडिया के जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस है जो कि दे दिया है। ओके गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर कर दो गाइस अगर आपने शेयर नहीं किया है तो, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। हाँ, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में बनाने के लिए बोला गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर आपने स्माइल फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लेना, स्माइल फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैंने अभी एक और वीडियो बनाया है। कई सारे बच्चों के राइट टू एजुकेशन को लेकर डाउट थे, तो उन सभी डाउट को लेकर मैंने वीडियो बनाया है, तो स्माइल फॉर ऑल यूट्यूब चैनल देख लेना, मतलब उसको सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री एजुकेशन को लेकर काफी वीडियोज है जो कि वहां पे आपको आने वाले टाइम पे मिलते रहेंगे, और काफी अच्छे चीजें हैं जो कि आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको मालूम है पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के लिस्ट में जो है वो एड ऑन कर दिया है। ठीक है गाइस, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे 54 टाइगर्स है, 12th बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड किया गया, तीसरा मध्य प्रदेश है आफ्टर पंचमढ़ी और अमरकंटक। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये देख सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि यूनेस्को के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल कल्चर लैंडस्केप के तौर पे दी जाती है। ओके गाइस, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है करवाया जाता है। आप देख सकते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया होता है,
बाहर वाला जो एरिया होता है ये तो ठीक है, ये बीच वाला बफर एरिया है, ये कोर एरिया है जहां पे अलाउ नहीं होता, नॉट अलाउड। बफर एरिया में सिर्फ रिसर्च के लिए अलाउ होता है, और जो बाहर है ये ट्रांजिशन एरिया होता है। यहाँ पे हाँ ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो अलाउ होता है, बाहर की तरफ सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कोर वाला है ना ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल होता है जहाँ पे अलाउ नहीं होता इंसान। इसके बाद जो बफर जोन है यहाँ पे आप घूम सकते हो, रिसर्च के लिए आ सकते हो, और ट्रांजिशन के अंदर दोस्तों सेटलमेंट भी अलाउ होता है। ये देख सकते हो कई सारे बच्चों को फर्क नहीं पता होता टाइगर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व में क्या अंतर होता है। ठीक है गाइस, देखिए समझने की कोशिश करें फर्क क्या होता है। नेशनल पार्क है ना ये वाइल्ड एनिमल स्पीशीज के अकॉर्डिंगली होता है, जैसे कि लायन, टाइगर, राइनोस, किसी एक को या और भी कई सारे एनिमल को बचाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना ये स्पीशीज ओरिएंटेड होती है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ध्यान रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पिचर प्लांट हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, समझ गए ये सब। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि सबका ध्यान रखा जाता है, सबका मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, सबका ध्यान रखने वाली जगह को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नेशनल पार्क के ऊपर कोई, नेशनल पार्क में कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं होते, यूज नहीं होते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होते, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को काम में लिया जाता है। समझ गए मेरी बात। साइज आप देख सकते हैं, ओके, बाउंड्रीज जो है, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको, ये पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, दूसरा वाला ध्यान रखना है, साइज वाला भी ठीक है आप देख सकते हो। वैसे क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा एरिया लिखा हुआ है, फिर ये लार्ज होती है वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, और ये सबसे लार्जेस्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ये होता है ऑर्डर वैसे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी दोस्तों बायोटिक इंटरफेरेंस परमिसेबल नहीं होती है बफर जोन के अलावा, इसमें दोस्तों बहुत ही लिमिटेड होती है, और इसके अंदर भी सेम कोई भी अलाउ नहीं होता बस बफर जोन के अलावा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म दोस्तों नॉट ओनली परमिसेबल बट इज ऑफन एनकरेज, नेशनल पार्क में टूरिज्म को एनकरेज किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोस्तों परमिसेबल होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में दोस्तों टूरिज्म को ज्यादा परमिसेबल नहीं किया जाता है, प्रमोट भी नहीं किया जाता है। ठीक है, और वो मैंने साइंटिफिक और रिसर्च जो है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो बहुत ही कम होता है, लेकिन यस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होता है दोस्तों। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश मार्क्स फॉर्मेशन डे ऑन 1st ऑफ नवंबर, तो आंध्र प्रदेश ने सेलिब्रेट किया फॉर्मेशन डे ऑन 1st ऑफ नवंबर विद चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी जी। दोस्तों नेशनल फ्लैग जो है इन्होंने वहां पे अनवील किया है, वहां पे ठीक है, वहां पे झंडा रोहण समारोह है जो कि वहां पे किया है। ओके गाइस, और चंद्रबाबू नायडू जी ने तो वैसे फॉर्मेशन डे 2 जनवरी को रखा था, लेकिन जगन गवर्नमेंट जी ने दोस्तों इसको वापस से 1 नवंबर पे कर दिया। ओके गाइस, फर्स्ट स्टेट है जिसका फॉर्मेशन हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर 1 अक्टूबर 1953 के अंदर, और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसके द्वारा आंध्रा को आंध्र प्रदेश के साथ में तमिल जो स्पीकिंग एरियाज जो है ओके उनके साथ में मर्ज किया गया था। धार कमीशन है दोस्तों जो कि सबसे पहले लाया गया 1948 के अंदर, राजेंद्र प्रसाद जी जो कि प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन्होंने एक लिंग्विस्टिक प्रोविजन बनाया, प्रोविंस कमीशन बनाया भाषा के को ध्यान में रखने के लिए कि कौन से राज्य को भाषा के आधार पर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ओके, ठीक है, फिर उन्होंने की रिपोर्ट आई धार कमीशन की, उन्होंने बोला कि भाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर अगर हमने देश को बना दिया, राज्य बना दिया है, तो ये तो देश के अंदर और देश बन जाएंगे, क्योंकि सिर्फ भाषा के आधार पर हम किसी भी राज्य को नहीं बना सकते। ओके गाइस, और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला गया बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस है ना, बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरिया को, और फिर बाद में वापस से जेवीपी कमेटी बनी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया जी की है ना, तो ये जेवीपी कमेटी बनी थी, मतलब धार कमीशन के रिकमेंडेशन को स्टडी करने के लिए। इन्होंने भी 1 साल बाद दोस्तों रिपोर्ट निकाली और बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, ये एक कारण हो सकता है लेकिन सारे कारण नहीं हो सकते। ठीक है गाइस, तो ये दोनों के दोनों जो कमीशन है वो बहुत ही फेमस माने जाते हैं, और विशाल आंध्रा मूवमेंट भी हुआ था सेपरेट आंध्रा के लिए जिसको पोटी श्री रा मल्लू जी के द्वारा लीड किया गया था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, और विशाल आंध्र मूवमेंट जो है वो तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो है मद्रास प्रोविंस के ओके उनके द्वारा डिमांड किया गया था कि भाई तेलुगु वालों के लिए आंध्रा बनाया जाए,
और तमिल वालों के लिए तमिलनाडु थाई, और पोटी जो है दोस्तों ये चले गए इंडेफिनेट फास्ट के ऊपर, और 56 दिन के फास्ट के ऊपर इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद में बहुत वायलेंस हुआ, और फाइनली दोस्तों इतना वायलेंस होने के बाद आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर 53 में बनाया गया। सिमिलरली तमिलनाडु भी तमिल के ऊपर बना, और बाकी राज्यों के अंदर भी डिमांड है जो कि बढ़ने लगी। ओके गाइस, चलिए 27 मॉइस ने सरेंडर किया दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर अंडर लॉन बारातू कैंपेन। अभी लॉन बारातू कैंपेन क्या है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ है कि 27 मॉइस्ट है ना, उन्होंने सरेंडर किया है। कौन सी स्कीम के तहत दोस्तों? लोन वसतुल स्कीम के तहत, कैंपेन के तहत। इसका मतलब होता है रिटर्न होम, वापस से घर आ जाओ। लोकल ट्राइबल डायलेक्ट है, गोंडी जिसको कहते हैं, उस भाषा में मतलब लोन वरंतु कैंपेन है जो कि नाम दिया गया। नक्सलिज्म दोस्तों, ये जो घटना है, ये सबसे पहले एक नक्सलबरी नाम का गांव था वेस्ट बंगाल में, वहां से इसकी शुरुआत होती है, जब कुछ लोकल लोग जो है लैंडलॉर्ड के खिलाफ रिबेलियन करते हैं। और ये रिबेलियन दोस्तों 1967 में स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जमीन का बराबर जो है वो करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होके ये दोस्तों इंडिया के बाकी पार्ट में चला गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये जो है मोइस्ट पॉलिटिकल सेंटीमेंट और आइडियोलॉजी जो है वो नक्सल्स की मानी जाती है। तो एक्चुअली में जब इनका मोटिव स्टार्ट हुआ था, तब तो सिर्फ और सिर्फ खुद के हक के लिए था। अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब काफी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको कम करने की भी जरूरत है। यूपी के सीएम ने लॉन्च किया स्पेशल कैंपेन आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों को, फ्रॉम टीबी, टीबी से दोस्तों सफर होने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। टीबी फ्री करने का दोस्तों आप भारत का जो टारगेट है वो 2025 तक है, तो डोर टू डोर कैंपेन है जो कि चलाए जाएंगे। टीबी की बात करें तो दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर है जो कि होता है, ठीक है, 4-6 महीने जो कि सही करने में लग जाते हैं। फॉर्मर टर्की प्राइम मिनिस्टर मेसुट की दोस्तों मृत्यु है जो कि हो गई है। साथ में 23 सितंबर मालूम, 23 नवंबर मालूम है क्या सबको? 23 सितंबर, 23 नवंबर, 23 नवंबर को दोस्तों क्या होने वाला है, पूरा नए वर्जन के अंदर, न्यू वर्जन के अंदर दोस्तों आपको करंट अफेयर है जो कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूके ने, ये तो मैंने बता ही दिया था कि पार्टनरशिप वाला, तो ये मैंने बता चुका हूँ। इंडिया ने फर्मली रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान का अटेम्प्ट टू ब्रिंग मटेरियल चेंजेस टू ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये पाकिस्तान से क्या खुद का कंट्री तो समझता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको हमारे कश्मीर से, पता नहीं क्या चाहता है ये, मतलब खुद के पास जो है वो तो बेचारे मर रहे हैं भुखमरी से बुरी तरीके से। तो अभी आपको मालूम है जो है इन्होंने नया मैप जारी कर दिया था, जिसके अंदर काफी एरिया जो है वो अपना बता दिया था इन्होंने, है ना, यानी कि सर क्रीक जो लाइन है गुजरात के अंदर उसको भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, मतलब हाथ में चाहते हो। तो ये हमारा दोस्तों रियल जो मैप है, ये हमारा रियल जम्मू कश्मीर का मैप है, लेकिन उन्होंने हमारे कई एरिया के ऊपर कब्जा करा हुआ है, ओके, गलत तरीके से। तो इसलिए प्रेजेंटली प्रैक्टिकली ये वाला मैप है हमारा, तो आप देख सकते हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान में जम्मू कश्मीर हमारे लद्दाख का पार्ट है, ओके, और ये भी पीओके वाला एरिया है। ये वाला जो है शजगांव वैली, ये गिफ्ट में दे दिया गया था चाइना को, तो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है जो कि इसको एक्चुअली में कहते हैं। स्ट्रेटेजिकली दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के वाला जो है उससे लोकेटेड, उधर के वहां पर लोकेटेड है, और ठीक है, हरि सिंह जी ने दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो कि 26 अक्टूबर को साइन करके इंडिया में वो मिल गए थे। अभी रिसेंटली सीपीईसी कॉरिडोर भी यहाँ पे बनाया जा रहा है इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उसको भी रोकना चाहिए था, मतलब हमने उस टाइम पे रोका नहीं, अब तो क्या वो काम हो गया है। 8,000 किलोमीटर का, मतलब 8,000 में से 5,000 किलोमीटर का यहाँ पे, 8 में से 5 ऐसी पीक है जो कि 7,000 मीटर से ऊपर है, और काफी लंबा है, मतलब है ना, 8, 5,000, 10,000 किलोमीटर से भी लंबा है रूट है जो कि बनाया जा रहा है। ओके, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर दोस्तों पोलर रीजन के बाहर गिलगित बाल्टिस्तान ही है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स रेजिंग डे, राइजिंग डे, तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने दोस्तों यंगेस्ट कॉर्प है अपनी इंडियन आर्मी की, उन्होंने 35वां अपना सेलिब्रेशन किया है दोस्तों, ठीक है, उन्होंने अपना सेलिब्रेशन किया है किसका, फाउंडेशन डे का। ओके गाइस, ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन रोल दोस्तों आर्मी, अगर मैं बात करूं उसकी आर्मी एविएशन कॉर्प्स का, तो ये क्या है, जो चॉपर्स होते हैं उनको ये लोग दोस्तों जल्दी ऑब्जर्वेशन में, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में, है ना, असेंशियल कोई सामान डालना है उसके अंदर काम में लेते हैं, हमारे ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ के अंदर ये काम में आते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, अगर आपको अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो BHU10 यूज करना ना भूले,
या फिर BHU, NESH, गुनेस्टन, चाहे डिफेंस का हो, कोई रेलवे, कोई SSC, कोई UPSC, कोई सा भी एग्जाम हो पूरे देश के अंदर। ठीक है, अनअकैडमी में सर्च करके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा चल रहा है फाउंडेशन बैच SSC एग्जाम के लिए और साथ में UPSC के लिए 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। लोन वस्तु अभियान हाल ही में खबरों में है, लोन वस्तु अभियान डैश से संबंधित है। भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में टीबी से पीड़ित लोगों की पहचान के लिए एक विशेष 10 दिवसीय अभियान है जो कि शुरू किया है? हाल ही में मेसुत यिलमाज का निधन हो गया, उन्होंने डैश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से कौन सा धार आयोग भाषा आधार पर राज्यों के संगठन से जुड़ा है? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।